जब से ये रेगुलर हुआ है ना, अब इसकी टून चेंज हुई है। अच्छा, कसम से वो पहले तेरा सलीम मुला नहीं रहा, ये रेगुलर हुआ है। ये रेगुलर हुआ था ना पिछले अरसे में, ये कसम से ये इसकी टून चेंज हो गई है, अभी ये और चीज बना हुआ है। ये सबके हुए है इस तरह, ये जो रेगुलर हुए है ना, हाँ, या जीएम बन गए, वो उनकी कसम से टूने चेंज हो गई है। ये भी इस तरह कर रहा था, ये कह रहा था छोड़ो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो तुम, देखा जाएगा, तुम आ जाओ देखा जाएगा, इस तरह कर रहा था। मैंने कहा ये नहीं, इस तरह तो नहीं होता, देखा जाएगा भाई। या तो डायरेक्ट मैंने कहा था जफर साहब से, कहा बात करो ना। अभी ये ना जफर साहब ने कहा किसी ने मरी रोड पर जाके नहीं लेना, 8 बजे थे आवे तो तू उन्होंने नाल छड़ना ही, बस उस तो अलावा नहीं छड़ना। आज आज मुझे जफर साहब ने बुला के ये कह, ठीक है ये वाला बेहतरीन है, 8 बजे तक ये बोलेंगे तो नहीं ना, पहले 8 बजे से पहले पता नहीं। नहीं, ये जो हमारी क्लास होगी उसका क्या हिसाब किताब होगा? उसका तो कुछ बताया ही नहीं है, पता नहीं। अच्छा, वो 2-3 दिन मिस हुई ना, वो उसमें मसला था, वो उनके आज फिर वो गए थे 2-3 लोग, तो वो कल कह रहे थे कि भाई कल से फिर रेगुलर क्लास होगी, वही 4:30 से 6 बजे तक। महाराज जी आने के वो फिर तैयब ने मुझे कॉल की है, जब मैं उधर पहुंचा हूँ ना, तैयब ने मुझे कॉल की है। अच्छा, तैयब क्या कह रहा था? तैयब कहता है आप इधर पहुंचे, मैंने कहा ये भी बिल्कुल शारे में खड़ा हूँ, सामने आमने सामने, बस ठीक है आप भी इधर सामने खड़े हैं, बस फिर वो तो खैर सलीम साहब ने जाते हुए तो बहुत तो अच्छी बातें की हैं, या बुजुर्गार के पास पहुँचा। हाँ। मैं तो फिर वो दिल में सोचता ही रह गया, मैंने कहा कोई मसला ही नहीं है सलीम साहब, मैंने कहा कोई ज़रा भी मसला नहीं। कहते ये सोचता नहीं रहना, रात को सोचना नहीं मेरे ये वो, मैंने कहा नहीं नहीं कोई मसला ही नहीं है, मेरा दिल अभी बिल्कुल नौकरी में तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा मैंने इसलिए सुनते रहते हैं, मैंने कहा वो मैंने इसलिए आपका स्टेशन जब चेंज हुआ था मैंने बंद कर दिया था मोबाइल ही। कहते मुझे शक पड़ रहा था तुमने बंद कर दिया, इस तरह की बात उन्होंने आगे से की है, मुझे पता चल गया था कि इस तरह के तुमने मोबाइल बंद कर दिया। वो यार थोड़ी देर के लिए वैसे हो गया, सोचना नहीं दिल में, ये असद रजा साहब इनके साथ ही है, ये उनके घर में रहते हैं ना, लेकिन असद रजा साहब ग्रेट आदमी है, वो बहुत अच्छे, वो मैं कहता हूँ क्या दे की कसम, वो बहुत अच्छे, इतना नाइस हो बहुत, मतलब यार बस देखो ये जफर साहब, मैं 2 घंटे भी आप मुझे कहने एक जगह पे खड़ा हो मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं ये बात नहीं है मैं कामन करने वाला, लेकिन यह कि देखे मैं खुद पहुँच नहीं, नहीं नहीं इसी तरीके देखो कसम से, बस यार को भी आपको बताओ यकीन करें, इंसानों के साथ कुछ मसाइल होते हैं, एक देखो यार किसका दिल करता है, मैं कसम उठा के तो मेरा खाना रात 11 बजे ही ना, उस दिन मैं कर्नल कैसर के साथ था, 12 बजे 12 बजे मुझे कर्नल कैसर साहब ने कहा खाना इधर मेरे साथ खा लो। अच्छा, कहते मेरे साथ खा लो, इधर खाना खा लो, पूजा मैं इन्होंने कसम से वो बंदों को कह दिया कि इसको वैद को बोलो खाना खा ले। मैंने कहा मैंने 12 बजे पता क्या मुझे बहुत सख्त प्यास लगी हुई थी, मैंने कहा मैंने पानी भी नहीं मांगा, मैंने कहा इनको मैंने उतारा है ना एयरपोर्ट से आके घर, तो उस दिन मैंने बहुत ज़्यादा किया कि मैं गाड़ी से उतरा भी नहीं, तो कीर साहब को भी जाते हुए इनके फैमिली के साथ ड्रॉप किया है, तो ड्रॉप करके फिर आगे इनको लेने गया हूँ जब उमरे से आए, तो इन्होंने फिर पता क्या ये ऐसे गाड़ी में पीछे थे और मैं आगे था, मैंने इनका सामान जो उतार के ना मैंने गाड़ी ऐसे मोड़ी है, इनके पास मोबाइल नहीं था, इन्होंने बड़ा कोशिश की है कि मैं इसको रोकूँ मेरी ना, मैं आ गया हूँ क्योंकि मैंने कहा मेरा तो काम इधर खत्म है, वैसे मैं रोटियों के लिए क्यों बैठ जाऊँ। ये दूसरे दिन कसम से मुझे ना दफ्तर में इन्होंने मुझे बुलाया, फिर कहते यार तुझे रात को इतना उन्होंने भी कहा तू खाना क्यों नहीं खा के गया, मैंने कहा खैर है कोई मसला नहीं सर, कहते हैं चल इधर आओ, अच्छा वो जमजम डाला है गिलास में छोटे में, कहते हैं ये पियो और खजूरें दी हैं खाओ। कल फिर मैं इनको छोड़ने गया हूँ घर के आगे पहुँचे, कहते हैं वेद आओ यार चाय शाय पी के जाना, मैंने कहा नहीं सर बहुत बहुत शुक्रिया, कर्नल कैसे भी बहुत अच्छा। हाँ वही मैं आपको ना मैं ऐसे एक्सपीरियंस के बेस पे आपको कह रहा हूँ ना कि मैं तो सब ड्राइवर के साथ आता जाता हूँ और एक को देखता हूँ, और हम आप लोगों को बताते भी नहीं है, वैसे मैं आपको अफसरों के एटीट्यूड भी बताऊँ ना, मतलब मैं कल आपको ये बताऊँ अनवार के साथ मैं डिस्कस कर रहा था, अनवार को मैं लिटरली बता रहा था, मैंने कहा अनवार ये जो पुराना ड्राइवर नहीं है 2-3, मैंने कहा ये कितने ग्रेट और ज़बरदस्त है, ठीक है, और फिर 2-3 के भी मैंने ऐसे नाम लिए कि मैंने कहा ये भी ड्राइवर है ना देख किस अजीब इनकी हरकतें हैं ना, तो ये मतलब है कि आप समझ लो कि ये आपकी बहुत बड़ी जो है ना
मतलब आप देखो, आप ये कह रहे हो कि 12 बज गए और फिर भी मैंने कहा नहीं कि कोई जरूरत नहीं है, मैंने 12 एक बजे खाना खा लूंगा। अच्छा आप इवन आप इस हद तक कह रहे हैं कि भाई मुझे प्यास लगी थी, मैंने पानी नहीं मांगा। मैंने नहीं मांगा, खुदा की कसम मैं बाहर आया हूँ, ठीक है, मेरा सर चकराना शुरू हो गया। मैंने पता क्या किया, मैं कसम से बर्दाश्त करने वाला हूँ, लेकिन मैंने क्या किया, किराना स्टोर के आगे खड़ी किया। मैंने कहा छोटी बोतल नहीं है, उसके पास मैं गया हूँ तो वो नेस्ले वाली नहीं थी, एक सूफी पे है जो नया निकला हुआ है, मैंने वही उठा ली है। मैंने यार नेस्ले या कुछ सुन, अब ये मैं असल में ना आपको थोड़ा सा इस तरह बता रहा हूँ, तो ऐसे लोग ना ये ड्राइवरों में खासकर ये इंतहाई कम मिलते हैं और अच्छे घर के होते हैं, ठीक है, इससे कुछ भी नहीं। आप अगर उधर बैठते तो आप शरबत पानी खाना सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ना कभी कभी अगर किसी से थोड़ा सा कर लो तो ठीक है, लेकिन ये नहीं है ठीक, नहीं ठीक है, ये ठीक नहीं है, बंदे की वैल्यू नहीं रहती इस तरह। और इसमें आपको एक बात बताऊं, देखो ये हमें भी मतलब मेरे साथ जो बंदा आता है तो मेरी कोशिश होती है कि उसको चाय पिलाऊं या खाना पिलाऊं, और इसमें से दो तीन बंदे हैं जिनको मैं रेगुलरली करता हूं। सही। आपसे मैंने एक दफा तो पूछा, लेकिन मुझे पता चला कि आप उस तरह नहीं है और आप रुकेंगे नहीं, मुझे फिर अंदाजा हो गया ना। साथ जफर साहब ये है ना कि अभी मैं आपके साथ या तो इधर को 3-4 घंटे लगा रहा हूँ ना, तो फिर चले आप मुझे खिलाकर पूछे, अभी हमने आना जाना है, इसमें कोई नहीं है। हाँ। मैं वो कर्नल साहब ने मुझे कहा कि IAS लेके आना शादी पे ना, इन्होंने अपने वो साले की शादी थी, मैं इनके लेके चला गया हूँ, इन्होंने ना आगे ये खड़े थे।